हालेलुया। आज हमें स्पिरिचुअल लॉज को जानना है, आत्मिक लॉज को, आत्मिक नीतियां। आज बहुत लोग स्पिरिचुअल रेल्म की रियलिटी को नहीं समझते, इसीलिए भूल में पड़े हैं। हालेलुया। उनकी शैतान ने उनको सीमित किया हुआ है। शायद ये शारीरिक ही है, शायद ये फिजिकल ही है, शायद यहां तक ही चीजें सीमित है। नहीं, मैंने आपसे कल क्या बात करी थी, शारीरिक में जितनी भी बातें उत्पन्न हो रही हैं या निकल रही हैं, वो सारी आत्मिक बातों से निकल रही है। समझ रहे हो? सोर्स वो है, रिसोर्स हम बाहर देखते हैं। दाखलता वो है, फल बाहर है। काम जब हम स्पिरिचुअल में करते हैं, रिजल्ट उधर है। हर एक फिजिकल चीजों के पीछे स्पिरिचुअल कार्य है। अरे बात आज मसीहों को समझने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। और सचमुच आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, स्पिरिचुअल रैम रियल है और इसकी गहराई आज हमें समझनी होगी। युद्ध करने से पहले आपको गहराई से जानना और समझना पड़ेगा कि आत्मिक रैल्म रियल है। हम यूं ही या टाइम पास के लिए यहां इकट्ठा नहीं हुए। आप कुछ गंभीर बातों के लिए आज हम इकट्ठा हुए। हालेलुया। इन 10 दिनों के लिए प्रभु ने जो तैयार किया है, आपको इसकी गंभीरता को सबसे पहले पहचानना है। हालेलुया। सिर्फ बनी बनाइयां या सुनी बातें नहीं है, ये रियलिटी है, बाइबल बयान करती है। निकालेंगे दूसरा राजा 6 उसका 11 पढ़ेंगे। दूसरा राजा 6 उसका 11। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? और उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलिसा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, 17 तक पढ़ो, वह इज़राइल के राजा को वे बातें मैं भी बताया करता है जो तू सयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टल हुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसने सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिसा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलिसा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। स्पिरिचुअल रेल्म रियल है। तो यहां पे हम देखते हैं सीरिया का जो राजा था, वो कुछ भी बातें करता था, बंद कमरे में भी करता था, वो सारी इज़राइल की सेना को पता चल जाती थी। वो हैरान होता था कि कौन सा बंदा है, मैं अकेला भी बात कर रहा हूं, कौन सा बंदा है कि जो हमारी बातें पहुंचा देता है। उसने बहुत ढूंढा, उसे मिला नहीं। और वो पता लगाता है किसी ना किसी रीति से कि एक एलिशा नाम का भविष्यवक्ता है
जो उधर ही है और प्रभु उसे सारी बातें बता देता है, सारे भेद बता देता है जो हम इधर तैयार करते हैं। आप समझ रहे हो? और इस दौरान जो राजा था वो बहुत क्रोधित होता है, कहां पे ऐसे ढूंढो, ये बचेगा नहीं, इसे मारना है, खत्म करना है। तो किसी ने बताया उसे हाँ कि वो इस नगर में है, और बाइबल बयान करती है कि उसने एक बड़ी सेना को भेज दिया, चार पांच बंदे नहीं भेजे, एक बड़ी सेना को भेज दिया एलीशा को पकड़ने के लिए। उस समय एलीशा एक पहाड़ पे रहता था, एक चोटी पे रहता था। तो बाइबल बयान करती है सारी तरफ से एलीशा को, जितने भी पहाड़ के चारों तरफ से सेना ने घेर लिया था। और सुबह सुबह एलीशा का टहलू आया, एलीशा का सेवक एलीशा के पास आया, एलीशा एलीशा उठ, हम घेरे गए हैं, हमें मारे जाने वाले हैं। एलीशा जानता था, वो आत्मिक रेल्म में चलता था। आप समझ रहे हो? बाइबल के बयान करती है उसने प्रार्थना करी कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे। कौन सी आंखें? हाँ, आत्मिक आंखें। शारीरिक आंखें तो खुली थी, शारीरिक आंखें तो आंखों से तो दिख रहे थे दुश्मन, कितनी बड़ी सेना है उनकी। प्रभु ने कहा कि प्रभु आत्मिक रैल, आत्मिक आंखें खोल ताकि रियलिटी को पहचाने। हालेलुया, हमारी और कौन। और बाइबल बयान करती है जैसी एलीशा ने प्रार्थना करी और उसकी आत्मिक आंखें खोली गई, तो बाइबल बयान करती है तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। स्पिरिचुअल रेल्म फिजिकल से भी ज्यादा रियल है। आप देख रहे हो, यहां पे आत्मिक आंखें खोली गई और आत्मिक रेल्म में देखा गया कि अग्नि में घोड़े से हम घिरे हुए। हालेलुया। आप कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, हमें स्पिरिचुअल रेल्म को समझना है। ये सिर्फ यूं ही नहीं है, ये रियलिटी है। एलीशा क्यों नहीं डरा? वो जानता था हाँ कि मेरी और कौन है, मेरी सुरक्षा के लिए कितने लोग ठहराए गए हैं, कितने दूत और रथ भेजे गए हैं। प्रभु इसकी आंखें खोल दे, बहुत घबराया हुआ है, बहुत चिंता कर रहा है। हालेलुया। और बाइबल बयान करती है उसकी आंखें खुली और उसने अग्नि रथों को देखा। आपको समझना है, मैं कल भी बात कर रहा था, बहुत बार हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हाँ सेना बहुत बड़ी है, वो ऐसा है। आपको स्पिरिचुअल रेल में रियलिटी को पहचानना है। मैंने कल भी बात करी थी, जो हमारी और है वो उनसे अधिक है जो हमारे विरोध में, जो हमारे अंदर है वो सामर्थ्य है उससे जो इस संसार में है। हालेलुया। अब जयवंत से भी बढ़ के हो, हमें निडरता से बढ़ना है, निडरता से लड़ना है, और जीत आपकी होगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। स्पिरिचुअल रैंक दानियल निकालेंगे, दानियल 10 उसका 7 से हम पढ़ेंगे। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्य को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया।
तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूँ। आगे भी पढ़ो। फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और जब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया और चुप रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा, इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बात कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस रह गई है। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले। हालेलुया। तो यहाँ पे आप देखते हो एक बारी फिर से अलौकिक रीति से प्रभु का कार्य जो दानियल के जीवन में हुआ। तुम जानते हैं दानियल कैसे प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने पहले दिन ही उसका उत्तर भेज दिया था। पर बाइबल में क्या, फारस का जो दूत था आकाश में उस उत्तर वाले दूत को रोके हुए था, उसे लड़ रहा था, उत्तर आगे दानियल तक पहुंचने नहीं दे रहा था। पर दानियल जब आत्मा में प्रार्थना में लौलीन रहा, उपवास में लगा रहा, बाइबल बयान करती है मिकाइल ऊपर से भेजा गया, मिकाइल लड़ा और वो दूत जिसके पास उत्तर था वो दानियल तक पहुंचाया गया। अब देख रहे हो स्पिरिचुअल रेलम कितना रियल है। बाइबल में लिखा है जब आप इधर पढ़ते हो कि कोई उसे देख नहीं पाया, जितने भी लोग दानियल के साथ थे सबके अंदर सब थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। जब वो सुपर नेचुरल वो दूत आया और दानियल से बात कर रहा था, बाइबल में लिखा है सब थरथरा गए कि क्या हो रहा है। और बाइबल में लिखा है और छिपने के लिए भाग गए। सिर्फ उसने केवल मुझ दानियल ही ने देखा, दानियल ही ने देखा, बट उसका जो नियंत्रण था जो थरथराना था, बाइबल में लिखा है थरथरा के वो भाग गए। एक शब्द एक गहरी प्रेजेंस उस जगह पे जो ठहर गई, उनको समझ नहीं आया क्या हो रहा है। सुपर नेचुरल। हालेलुया। आज हमें समझना है गहराई से कि सुपर नेचुरल नेचुरल से भी ज्यादा रियल है। हालेलुया। स्पिरिचुअल फिजिकल से ज्यादा रियल है, आत्मिक चीजें संसारिक से ज्यादा अधिक असली हैं। आज ये बात को हमें पकड़ना होगा गहराई के साथ। आमेन। आप जानते हो किस प्रकार
जब दानियल लगा रहा, लॉलीन रहा, वो उत्तर दानियल तक पहुंचाया गया। आमेन। आपकी लॉल, जब आप लॉलीन रहते हो, आप बने रहते हो प्रभु में, आप प्रार्थना में लगे रहते हो, आपके दूत को स्ट्रेंथ मिलती है। हालेलुया। आपको समझना होगा जो आप कर रहे हो, आप रिजल्ट को देख रहे हो रेम्स में। हाँ, वो लगा रहा प्रार्थना में, पर कहां पे काम हो रहा है, समझ रहे हो? स्पिरिचुअल लेवल में, स्पिरिचुअल रेल में काम हो रहा है। और बाइबल बयान करती है कि वो दूत आया और उसे छुड़ाया, छुड़ा के उसका उत्तर उस तक पहुंचाया। तो आपको समझना है कि जब हम प्रेयर में लॉलीन हैं, हमारे दूत स्ट्रांग हो रहे हैं और शत्रु निर्बल होता है। जब हम प्रेयर्स कर रहे हैं, हम टंग्स में प्रे कर रहे हैं, आप कनेक्ट हो, जब हम वॉरफेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है स्पिरिचुअली, अलौकिक रेल्स में, जो आपको शारीरिक आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, शत्रु निर्बल हो रहा है और उतना ही आप स्ट्रांग और आप मजबूत करे जा रहे हो। आमेन। जब बाइबल में लिखा है एलिया घुटनों पे था, प्रार्थना कर रहा था, काम कहां हो रहा था? स्पिरिचुअल, आत्मिक रेल में। हाँ, वो लगा रहा, लॉलीन रहा, उसने कहा चेक कर, चेक कर, चेक कर। वो जानता था वो क्या कर रहा है और वो करना उसका क्या रिजल्ट लेके आएगा। सातवीं बार भेजा, तो हम जानते हैं किस रीति से प्रभु ने उस बादल को भेजा। आपको कनेक्टिविटी को जानना और समझना है, स्पिरिचुअल और फिजिकल, किस रीति से आत्मिक रेल्म कितना अधिकतर रियल है। बाइबल ने कहा जब वो बलाम, जब वो भविष्यवक्ता था और आ रहा था इज़राइल के लोगों के तरफ, उस गधे के ऊपर जब जा रहा था तो एक दूत गधे के सामने प्रकट हो गया और उसे उसके रास्ते में रोक लिया उसे, आप समझ रहे हो? और वो उसे, हम जानते हैं, मार रहा है, हाँ, उसे लाठी से मार रहा है, उसे बोल रहा है चल आगे क्यों नहीं चल रहा। और हम देखते हैं वो गधा बोल उठा, उसकी जुबान में सामर्थ डाली गई और वो बोल उठा, हाँ, कि सामने देख क्या खड़ा है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाऊंगा दूध की तलवार से तो मार दिया जाएगा। जब उसकी आंखें, उसने जांचा, चेक किया, आप समझ रहे हो? सुपरनैचुरल रियल, रियल है। बाइबल में इतने इंस्टेंसेस, इतनी चीजें बाइबल के अंदर हम बयान होता हुआ देखते हैं जहां पे लोगों ने सुपरनैचुरल इंकाउंटर किए, अलौकिक रीति से, स्पिरिचुअल। आज शैतान ने सीमित कर दिया है, बस जो है इधर ही है, हाँ, इधर तक ही है। आज आपको उस सीमा से पार निकल के रियलिटी को जांचना है, रियलिटी के अंदर जीना है, रियलिटी के अंदर आना है, रियलिटी के अंदर युद्ध करना है। आमेन। बहुत लोग बंदे सीमित इसीलिए हैं क्योंकि रियलिटी को नहीं पहचाना। हालेलुया। लूका 2 में हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा जब यीशु का इस धरती पे आना था तो जिब्राइल मरियम के पास भेजा गया, मरियम को प्रकट हुआ कि तू बच्चा जनेगी। हालेलुया। और हम जानते हैं उसके बाद यहां नहीं, पर जिब्राइल को दर्शन, जिब्राइल का दर्शन चरवाहों ने भी पाया, जो लोग उस समय रात के समय पे जितने भी चरवाहे थे उन्होंने दर्शन, पढ़ो पढ़ो वचन को, उन्होंने दर्शन को पाया। 2:13-15 पढ़ेंगे। जब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम में जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चन्नी में उस बालक को पड़ा देखा। हालेलुया।
तो यहाँ पे भी हम देखते हैं जब चरवाहे थे उस समय रात के समय पे, तो जिब्राइल दूत उनके ऊपर प्रकट हुआ और उसको मसीहा के आगमन के विषय में, प्रभु के आने के बारे में उन दूतों से भी बात करी। वो ऐसे खड़े हैं और जैसी दूत को देखा वो घबरा के डर गए। हालेलुया। हमारा जब स्कूल टाइम्स था तो हमारा क्रिसमस के टाइम पे एक निटिविटी प्ले होता था, तो जिसमें सारा वो जो दृश्य है यीशु का, मरियम से लेके चरवाहों का, तो सारी चीज़ें उसमें प्रस्तुत करी जाती थी। हालेलुया। तो छोटे छोटे बच्चे वो भेड़े बने हुए हैं, लाठी लेके वो अच्छे से तैयार हुए होते हैं, और सचमुच उस रियलिटी को जब हम देखते थे तो स्मरण करते थे कि किस रीति से वो चरवाहे ऐसी खड़े और प्रभु का दूत अलौकिक रीति से उनके सामने प्रकट हो गया और वो अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। हालेलुया। और दूत ने उनसे बात करी। आमेन। ये चीजें रियल हैं, सुपरनैचुरल हैं। आप देख रहे हो खुली आंखों से लोग दर्शन देख रहे हैं, सेम दर्शन, सेम चीजें प्रभु रिवील कर रहा है, ट्रेवल कर रहे हैं। इसको हमने, हम इससे मिले, प्रभु के दूत दिखाई दे रहे हैं, सिंहासन दिखाई दे रहा है। तो वो जब हम स्पिरिचुअल रेल्म को, आत्मिक बातों को अपने ऊपर नियंत्रण देते हैं, उसकी बहुतायत हमारी लाइफ में एंटर करती है, तो हम धीरे धीरे पर्दा हटता है और हम रियलिटी में एंटर कर जाते हैं। हालेलुया। अभी प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हम रियलिटी में एंटर कर पाते? संसार के पर्दे से घिरे हुए हैं, शारीरिक वस्तुओं से घिरे हुए हैं, एक अंधकार का घेराव पैदा हुआ हुआ है। जब आप आत्मिक परिपूर्णता में बढ़ते हो, आप देखते हो कि ये चीजें धीरे धीरे झड़ना शुरू होती हैं, वो फटना शुरू होती हैं, और आप देखते हो आप उन चीजों से रियलिटी में प्रवेश करने लगते हो। लोग घंटों, दिनों, आपको बोल रहा हूं, लोग आते हैं चर्च में, पता ही नहीं चलता। सुबह से प्रेयर कर रहे थे, आत्मा में शाम को उठ रहे हैं, अगले दिन उठ रहे हैं, खाना पीना कुछ कोई फर्क ही नहीं है, कोई असर ही नहीं है आत्मा में। आप समझ रहे हो, ये रियलिटी है, ये चीजें शारीरिक से भी ज्यादा रियल। हालेलुया। ये चीजें प्रभु ही के द्वारा सृजी करी गई, सृजी गई हैं। जो बातें दिखाई देती हैं और नहीं दिखाई देती हैं शारीरिक आंखों से, प्रभु के द्वारा सृजी गई हैं। हालेलुया। अब पढ़ना चाहोगे वचन में, विजिबल इनविजिबल, जो दिखती हैं जो नहीं दिखती हैं, सब प्रभु के द्वारा सृजी गई। निकालो कुलुसियों 1:15-16। मैं तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। अब समझ रहे हो, अभी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं शारीरिक आंखों से, बट कुछ जो स्पिरिचुअल रैम की अभी दिखाई नहीं दे रही, पर वो अनदेखी भी जो दिख नहीं रही प्रभु के द्वारा सिर्जी करी है। जैसे फिजिकल बनाया गया है, आकाश और पृथ्वी बनाई गई, आत्मिक रैम भी प्रभु के द्वारा सिर्जा गया। हालेलुया। पढ़ो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताए, क्या प्रधानताए, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। हालेलुया। सभी बातें उसी में स्थिर रहती हैं, उसी के द्वारा सृजी गई हैं, जिसने बनाया वही स्थिर रख सकता है। हालेलुया। देखी और अनदेखी वस्तुएं उसी के द्वारा सिर्जी गई हैं।
ये फिजिकल रेल्म भी, ये आत्मिक रेल्म भी, दोनों उसी के द्वारा तैयार करा गया। हालेलुया। बाइबल में कहा जब शाऊल जा रहा था दमिश्क की ओर, जितने भी प्रभु और चेले थे और विश्वासी थे उन्हें पकड़ने के लिए, मारने के लिए, रास्ते में एक बड़ी रोशनी पौलुस के ऊपर प्रकट हो गई, शाऊल के ऊपर, जो उस टाइम में भी शाऊल था। और बाइबल में कहा वो घबरा गया, क्या हो गया, घुटनों पे आ गया, उसकी आंखें दिखना बंद हो गया। बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने उस आवाज को सुना, बट वो थर थर आ गए, क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं लग रहा। प्रभु ने अपने आप को शाऊल पे प्रकट किया, पौलुस पे प्रकट किया, तो कौन है प्रभु तू? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। और बाइबल में कहा 3 दिन तक वैसी रहा। और प्रभु ने हनन्या को भी, अननियास को भी, और शाऊल को भी जो पौलुस बन गया, दोनों को दर्शन दिया कि ऐसे ऐसे वो बंदा आएगा। शाऊल को भी बताया, हाँ भी वो बंदा आएगा तेरे लिए प्रे करेगा। उसको भी बताया तूने उधर जाना है, ऐसे नाम का बंदा है, उसके लिए जाके प्रे करनी है। प्रभु वो तो लोगों को इतना मारता है, प्रभु वो कैसे? नहीं, वो मेरा चुना हुआ पात्र है, जा उसके लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। हम जानते हैं किस रीति से वो गया, प्रेयर करी, उसी दिन उसने बपतिस्मा लिया, और किस रीति से, किस बहुतायत से प्रभु ने उसकी लाइफ को इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो बात यहाँ पे है सुपर नेचुरल चीजें। आज हमें रियलिटी में उतरना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आज शैतान ने और संसार ने लोगों को सीमित कर दिया है। हाँ, ये चीजें कुछ नहीं है, ये चीजें सिर्फ ऐसी हैं, ये शारीरिक और शैतान का झूठ है जो लोगों को रियलिटी में नहीं आने देता। हालेलुया। जब रियलिटी की बातों को जानना है, उसमें चलना है, उन रेल्म में चलना है हमने। आमेन। रियल बातों को मांगना है। प्रभु कितना कुछ देना चाहता है, कहाँ ले जाना चाहता है, पर अपने आप को सीमित कर दिया। ना जाने दे रहित, ना जाने दे सहित मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। सुपरनैचुरल वर्ल्ड, अनदेखी वस्तुएं रियल है। आमेन। हमें चलना है उस रेल में जहां पे प्रभु ने हमें ठहराया और बुलाया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब मूसा के हाथ ऊपर थे वो लोग युद्ध जीत रहे थे, जैसे मूसा के हाथ नीचे जा रहे थे वो युद्ध हारने लगे थे। तो हाथ ऊपर नीचे, वहां पे ये क्या कनेक्शन है? आप समझ रहे हो, ये कनेक्शन आत्मिक रेल में है। हाथ जैसे नीचे जा रहे थे, हारून और मरियम आ गए, हाथ को ऊपर उठाने लगे, और जैसे ही हाथ ऊपर उठाने लगे वो दोबारा जीतने लगे, जैसे ही हाथ नीचे आने लगे वो हारने लगे। आप देख रहे हो, सुपरनैचुरल चीजें रियल हैं। आपको इसकी रियलिटी को आज गहराई से पकड़ना है। इसका आपके हृदय पे इसका कब्जा आ जाना चाहिए। जब तक इसकी रियलिटी को पहचानोगे नहीं, आप नहीं बढ़ सकते आगे। हाँ, फिर आप सिर्फ वो कर रहे हो तो इसलिए मैं कर रहा हूं, नहीं, आप क्यों कर रहे हो, आपको आज जानना और समझना है। चीजें यो ही नहीं है, मैं रियलिटी में चल रहा हूं, रियलिटी में जी रहा हूं। हालेलुया। हाथ ऊपर वो युद्ध जीत रहे थे, सामर्थ्य रिलीज हो रही थी। हाँ, आत्मिक रेल में दूध सामर्थ्य को पा रहे थे। अब विक्ट्री देखते हो, प्रेयर्स हो रही हैं, अब समझ रहे हो, आत्मिक रेल में चीजें थामी जा रही हैं, पकड़ी जा रही हैं और चेंज आ रहा है।
एक शहर में बहुत नशे और बहुत विपरीत चीजें चल रही थी, व्यभिचार और बहुत मलिनता की बातें उस जगह पे छाई हुई थी। तो प्रभु ने एक व्यक्ति के मन में डाला, उसने अपना काम छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया और वो प्रेयर में आ गया। और 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल समझ रहे हो, अपने घुटनों पे दिन और रात लौलीन रहा। और समय आया कि सारे रूल्स उस जगह के बदल गए। हाँ, नशों के अड्डे सब बंद हो गए, विचार के अड्डे सब बंद हो गए और सचमुच एक शांति का माहौल, एक प्रभु का वातावरण उस सारी जगह पे छा गया। हालेलुया। तो देख रहे हो क्या ये क्या कनेक्शन है, घुटनों पे प्रेयर और काम कैसे हो रहा है। जो अंधकार की शक्तियां जिसके कारण ये चीजें फैली हुई हैं वो बांधी जाती हैं और अब देखते हो रिजल्ट फिजिकल में आ रहा है। वो व्यभिचार की शक्तियां बांधी जा रही हैं, वो चीजें रिजल्ट इधर लोग फ्री हो रहे हैं, वो कनेक्शन तोड़े जा रहे हैं और अब देख रहे हो एक शांति का माहौल छा रहा है। आमेन। स्पिरिचुअल रियल्म रियल है और जो चीजें हम करते हैं उस स्पिरिचुअल रियल्म में काम करती है। प्रभु ने हमें कैसे बनाया, कैसे ठहराया, आप हो कौन, हमें आज उन चीजों को समझना है। हालेलुया।